पाकिस्तान के नापाक बोलों ने एक बार फिर से देश की वीरांगनाओं और उन माताओं के जख्मों को हरा कर दिया है जिन्होंने देश की रक्षा के खातिर बॉर्डर्स पर अपने कलेजे के टुकड़ों को खोया है। दरअसल पाकिस्तान के बड़बोले पैरोकारों ने करीब 20 महीने बाद अपनी उस नापाक हरकत को पाक बताते हुए बेशर्मी की इंतहा को पार करते हुए अपनी ही संसद में इस बात को कबूल कर लिया है कि 14 फरवरी 2019 को भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर के पुलवामा में जो निहत्ते फौजियों पर अटैक किया गया था वो इमरान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी सराहना इमरान सरकार के साथ साथ पाकिस्तान के विपक्षी दलों को भी करनी चाहिए। इमरान के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी के इस नापाक बयान ने उन शहीद फौजियों की विधवाओं और माताओं की दुखती रग पर फिर नमक छिड़कने का काम किया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब उन वीरांगनाओं के पाकिस्तान के प्रति बयान आने शुरू हो गए हैं। पुलवामा अटैक में हिमाचल के जिला कांगड़ा के ज्वाले से शहीद हुए तिलकराज की पत्नी ने पाकिस्तान के कबूलनामे पर ज्यादा हैरत न जताते हुए कहा कि पाकिस्तान जिस बात को आज कबूल रहा है उस बात को उनकी सरकार ने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था कि इस नापाक हरकत में पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है। बावजूद इसके इस पर कई सवाल भी खड़े हुए, मगर अब देश की सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया जाए। शहीद तिलकराज की धर्मपत्नी सावित्री देवी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन खेलकूद मेलजोल बंद कर दिया जाना चाहिए और उसे उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया जाना चाहिए ताकि उसकी भटकती हुई अक्ल ठिकाने आ जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें जो जख्म दिए हैं उन्हें तो ताउम कोई नहीं भर सकता, मगर पाकिस्तान के साथ हर प्रकार के रिश्तों को अगर हाशिए पर धकेल दिया जाए तो जख्मों को आराम जरूर मिल सकता है। पाकिस्तान ने पहले भी कई बार ऐसी हरकतें की हैं और बाद में उसे कबूला भी है और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है और अब हमारी सरकार को इसके प्रति कड़ा से कड़ा कार्रवाई करनी होगी इसके खिलाफ, ताकि वो दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना करे। बहुत अच्छी बात है कि भारत का जो पाकिस्तान के साथ व्यापार है वो बंद हो चुका है और ये कभी खुलना भी नहीं चाहिए, ये हमेशा बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी भारत के हित के बारे में नहीं सोचता है और ना ही भारत को पाकिस्तान के हित के बारे में सोचना चाहिए कि हम उनका सामान लें जब कुछ ऐसा भी, हमें ये बंद ही रखना चाहिए। पुलवामा में जो हमला हुआ वो हुआ, लेकिन अब सरकार को कुछ आगे ऐसी नीति अपनानी होगी ताकि किसी भी ना कोई जवान शहीद हो, ना किसी माँ का बेटा जाए, ना किसी पत्नी का पति और ना किसी बच्चे से उसके बाप का सर का साया उठे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वैसे ही अब भी अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उसे फिर से वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब देना चाहिए, और ताकि आगे से किसी भी परिवार का चिराग ना बुझे, क्योंकि लोग तो 4 दिन याद रखते हैं लेकिन उसका जो दर्द है वो उसी के परिवार वाले जानते हैं। वो तो दिख ही रहा है, मेरा जो दर्द है वो मैं ही समझ सकती हूँ। लोग तो 4 दिन आते हैं चले जाते हैं, बोलते हम आपके साथ खड़े हैं, बस ये बोल के चले जाते हैं। जो भी है वो हमें, जब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पूछते हैं हमारे पापा का, जब दूसरों के पापा आते थे बोलते हमारे पापा का भूख भाई की